देखिए यहां पर प्रार्थना के विषय में बात हो रही है, लुका 22:31-32 ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो प्रार्थनाएं हैं वो आपके जीवन में किस तरीके से काम करती हैं। प्रार्थनाएं हमें परमेश्वर से जोड़ती हैं, प्रार्थनाएं हमें परमेश्वर के बारे में बताती हैं, प्रार्थनाएं हमें जीवन देती हैं, प्रार्थनाएं हमें परमेश्वर की खुशबू के करीब लेकर आती हैं, प्रार्थनाएं हमें बताती हैं कि परमेश्वर क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या उसकी योजना है। प्रार्थनाएं हमें ज्योति देती हैं, प्रार्थनाएं हमें अंधकार से दूर करती हैं, प्रार्थनाएं हमें सुख का अनुभव कराती हैं, प्रार्थनाएं हमें बताती हैं कि हमारे पास हम कितने शक्तिशाली हैं, हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, उसे खोज सकते हैं, उसे पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थनाएं हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। तो आज प्रार्थनाओं के महत्व के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिए, जो कि प्रार्थना हम लोग रोज करते हैं। हालेलुया। लूका 22:31-32 शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके के गेहूं के समान पटके। हालेलुया। आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है तेरा विश्वास जाता न रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह महान है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 7:25 कहता है, हम वचन नहीं दिखाएंगे लेकिन वो पद कहता है, वचन कहता है कि यीशु समय इसी समय इस समय भी मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, इस समय भी हमारा मध्यस्थ बनकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हालेलुया। ये क्या बताता है वचन? ये वचन बताता है, यीशु मसीह कहता है, आगाह कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, मेरे भाई है, मेरे बच्चों, शैतान ने तुम लोगों को गेहूं की नाई फटकने के लिए मांग लिया है। हम यीशु मसीह को पाने के बाद बहुत आजाद हो जाते हैं, बहुत ही अपने आप को हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। हमें हर पल सतर्क रहना है। और प्रार्थना किसके लिए यीशु मसीह कर रहा है? पतरस के लिए, कि आपका विश्वास ना जाए। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपका विश्वास आपके पास है तो आप यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं, आपका विश्वास है तो आप वचनों को समझ सकते हैं, आपका विश्वास है तो आप पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, आपका विश्वास है तो आप असंभव को अपने जीवन में संभव बना सकते हैं। आपका विश्वास क्या है? इसलिए वो कहता है यीशु मसीह कि तेरा विश्वास ना जाए, तेरा विश्वास ना जाए। मेरा विश्वास ही मेरी पूंजी है, मेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है। अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए यीशु कहता है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। आज भी यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम लोग विश्वास से पीछे ना हटे। ये कठिनाइयां, ये दुख, ये आजमाइशें जो हमारे जीवन में आती हैं, कभी हमारे रिश्ते लेकर आते हैं, कभी हमारी नौकरी लेकर आती है, कभी हमारा धंधा लेकर आता है, कभी हमारे इमोशंस लेकर आते हैं, भावनाएं लेकर आती हैं, वचन कहता है कि हमें अपने विश्वास से परे हटना नहीं है, विश्वास से दूर नहीं जाना है। विश्वास ही है जो हमें प्रभु से मिलवाता है। बाइबल कहती है इब्रानियों 11:6 कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है। हम उसको खुश नहीं कर सकते अगर हमारा विश्वास नहीं है। कलीसिया में आने का कोई औचित्य नहीं है, कोई भी अगर आप विश्वास बिना कलीसिया में आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ ये दुनिया को बताने के लिए कि हमारे पास बाइबल है, हम दुनिया को बताने के लिए हम कलीसिया जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप आशीष नहीं पा पाएंगे। क्यों नहीं आशीष पाएंगे? क्योंकि आप उसके वचनों को अपने अंदर नहीं ले पाएंगे, आप उसके वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे। जब तक आप उसके वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे मेरे भाई, कोई भी काम आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि उसका वचन ही हमें अगुवाई करता है। प्रार्थना कौन करवाता है आपसे? आपको पता है प्रार्थना भी आप खुद नहीं करते, प्रार्थना उसकी आत्मा जो आपके अंदर है वो आप अगुवाई करती है, बोझ लाती है आपके अंदर, प्रार्थना कर।
मेरे भाई, अगर आपके अंदर बोझ नहीं आता प्रार्थना करने का, तो आप खतरे में। चाहे आप काम में बैठे हो, चाहे आप घर में हो, लेकिन प्रार्थना का बोझ कि मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे प्रभु पिता से प्रार्थना करनी है, उसके करीब जाना है, उससे मांगना है, उसके सामने अपने आप को खाली करना है। हालेलुया, प्रार्थना ही आपको दयावंत बनाती है। अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए आपके मन में दया कौन लाता है? हालेलुया, प्रार्थना, प्रार्थना हमारा हथियार है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को और समझ सकते हैं। हालेलुया, और धर्मी की प्रार्थना बहुत जरूरी है। याकूब 5:16, प्रार्थनाएं किस तरीके से करनी चाहिए, प्रार्थनाएं कैसी प्रार्थनाएं हमें परमेश्वर की ओर लेके जाती हैं, प्रार्थना में कौन सा अंगीकार होना चाहिए जब हम प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं। कौन है वो? सर्वशक्तिमान। प्रार्थना करने से पहले हम महसूस करें कि हम जिसके सामने घुटने टेक रहे हैं वो पूरी तरीके से मुझे जानता है, कुछ भी मेरा उसके सामने नहीं छुपा है। हालेलुया, आप प्रार्थना करने से पहले महसूस करें कि वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, उसने अपने कान आपकी प्रार्थना पे लगा रखे हैं। महसूस करिए, यूं ही मत प्रार्थना करिए, क्योंकि आपकी हर प्रार्थना का जवाब देने में वो सक्षम है, वो विश्वास योग्य है, वो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, वो हमारा पिता है। पत्रस से यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तू फिरे, क्योंकि आजमाइशें हैं, तू जाएगा? हम सोचते कि हम नहीं जाएंगे, अरे हमें कौन लेके जाएगा, हम तो जानते हैं सब कुछ। लेकिन यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करो, सचेत रहो, सावधान रहो, प्रार्थना में जीवन को बिताओ, अपने आप को मजबूत करने के लिए तुम्हारे पास प्रार्थना एक ऐसा हथियार है। और जब तू विश्वास में फिरे, जब तू विश्वास से दोबारा आए, तो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, अपने लिए मत मांगिए, मत मांगिए अपने लिए, दूसरों के लिए मांगिए। मैं आपको एक कुंजी देता हूं, अगर आप खाली हैं, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, अगर आपका धंधा नहीं चल रहा है, सुनिए मेरे भाई, मैं आपको एक कुंजी देता हूं, जिसके पास नौकरी नहीं है उसके लिए नौकरी मांगिए, अपने लिए नहीं, मत मांगिए। अगर आपके पड़ोसी का धंधा नहीं चल रहा है उसके लिए मांगिए परमेश्वर से कि मेरे पड़ोसी का धंधा चले, प्रभु आपका धंधा चलेगा। घृणा की भावना मत रखिए, उसका अच्छा ना हो मेरा अच्छा हो, नहीं कभी मत बोलिए, कभी मत बोलिए। दूसरों के लिए अच्छाई मांगिए, दूसरों के लिए सुख मांगिए, दूसरों के लिए शांति मांगिए, आप देखिए आपके घर में शांति हमेशा बनी रहेगी, हमेशा हमेशा। आप नहीं जानते ये उसका तरीका है, वो कहता है दूसरों, अपने पड़ोसी से प्रेम कर जैसा तू खुद के लिए प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो कहता है, बाइबल क्या कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। 5:16 पढ़िए बहन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। आमीन। जब तुम प्रार्थना करो, ध्यान दीजिए इस वचन पर, ध्यान दीजिए, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने पापों को मानो, अंगीकार करो। मांगने से पहले दो, आप क्या मांगने वाले हैं परमेश्वर से? अपने लिए शांति, अपने लिए बरकत, अपने लिए आशीष, अपने लिए सेहत, हालेलुया। लेकिन उस मांगने से पहले दो, परमेश्वर मुझसे गलती हुई है,
मेरे परिवार में किसी से गलती हुई है, मेरे पूर्वजों ने किसी से गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, परमेश्वर दया कर। अगर मेरे देखने में पाप हुआ है, अगर मेरे सुनने में पाप हुआ है, अगर मेरे बोलने में पाप हुआ है, पिता परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अगर मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी गाली दी है, मैं अंधेरी में रहता था ब्रदर, मेरे पास छोटी गाड़ी थी वैगन आर, और मैं प्रचार के लिए जा रहा था अंधेरी में चकाला, वहाँ पर एक न्यू लाइफ फेलोशिप है, उन्होंने बुलाया था मुझे प्रचार के लिए, और मैंने सुबह वॉचमैन को बोला था कि गाड़ी साफ कर देना, उसने साफ नहीं की, भूल गया होगा। अब मैं शाम को उतरा तैयार होकर और मैंने देखा गाड़ी गंदी है, वॉचमैन इधर आओ, क्या किया तुमने, गाड़ी क्यों नहीं साफ की, कि साहब भूल गया था। भूल गया था तुम, कैसे भूल सकते हो तुम, तुम्हें पैसा देता हूँ मैं, ये देता हूँ वो देता हूँ। मैंने उसे झाड़ना शुरू किया, लक्ष्मी साथ में थी, वो कहता है सॉरी सर मैं जल्दी से कर देता हूँ, और बहुत ही मैंने उसको बुरा भला कहा। लेकिन जब मैं गाड़ी चला रहा था तो प्रभु ने कहा तू किसके लिए जा रहा है, प्रचार करने के लिए, और तेरे अंदर दीनता नहीं है। मैंने गाड़ी पास में खड़ी की, मैंने माफ़ी मांगी, प्रभु मुझे माफ़ करिए, मैंने गलती की, मैं जाते ही उस आदमी से माफ़ी मांगूंगा। मैं गया और प्रचार किया, प्रार्थना की, और आते ही 11 बज गए थे, वो अपने रूम में सो रहा था, उसे खटखटाया, वो डर गया कि पता नहीं क्या हुआ, अब क्या बोलेंगे ये आकर। मैंने कहा नहीं, आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे बहुत ऊँची आवाज़ में बात की, मुझे अब माफ़ करिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप सिद्ध बने, इसलिए चाहता है हर वक्त आप प्रभु में रहें। हमारे से कोई नीचे है ये मत समझिए कि परमेश्वर, ये परमेश्वर की कृपा है जो हमें देने के योग्य बनाया है। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते जब तक परमेश्वर आपके मन को ना बदले, नहीं दे सकते आप, दे नहीं सकते आप। इसलिए जब आप प्रार्थना करें, वो क्या कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, जिससे चंगे हो जाओ। आपकी प्रार्थना चंगाई ला सकती है। आप विश्वास करिए यीशु मसीह के वचन पर, खुद को खाली करिए, मांगिए, क्योंकि आपके अंदर बीमारी परमेश्वर लेकर नहीं आया है, आपके अंदर बीमारी आपका पाप लेकर आया है। इसलिए जब तक उस पाप का अंगीकार नहीं करेंगे तब तक वो बीमारी नहीं निकलेगी। या कई बहनें हैं जिनको दुष्टात्मा आती है और हम प्रार्थना करते हैं यहां ठीक हो गए, आप बाहर चले जाते हैं, लेकिन असल में आपको समर्पण आपका बाहर भी होना चाहिए, आपके घर में भी आप प्रार्थना में रहिए, नहीं तो वो दुष्टात्मा फिर आ जाएगा वहां पर। आपको समर्पित होइए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो कहता है धर्मी जन की प्रार्थना, आगे बढ़िए, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एफिसियों 6:11-12, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ कैसे हो सकता है। धर्मी जो कि प्रभु को जानता है वही धर्मी है, प्रभु धर्मी वो है जो परमेश्वर की धार्मिकता को लेके चलता है। हालेलुया। धर्मी कौन है, जिसके अंदर परमेश्वर का मन है, जो शैतान को जानता है, जो प्रभु को जानता है, जो अंधकार की शक्तियों को जानता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ क्यों हो सकता है, क्योंकि धर्मी जन उन अंधकार की शक्तियों को जानता है जो आपके आसपास घूम रही है, जो आपको घेरे हुए हैं। आप नहीं जान रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, लेकिन धर्मी जन जानता है कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे आपकी मुश्किलों को आसान करना है। हालेलुया। वो लड़का यीशु मसीह के पास आया था, 4 आदमी उसके लेकर आए थे, वो लंगड़ा लकवा मारा हुआ, प्रेज द लॉर्ड, और पतरस की छत को तोड़कर वो नीचे आ गया, और यीशु मसीह ने क्या कहा, चल तेरे पाप माफ हुए। शास्त्रियों ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, पाप माफ करने वाले आप कौन होते हैं। यीशु मसीह ने कहा क्या आसान है ये कहूं कि तुझे चंगाई मिल गई है, अपना बिस्तर उठा और जा, या तेरे माफ, या आपके पाप माफ हुए।
क्योंकि आपके पाप माफ हुए हैं तभी आप चंगाई पा सकते हैं। आपके अंदर पाप है इसलिए आप बीमार हैं। इसलिए अगर आपको चंगाई चाहिए तो अपने आप को पापों से निकालिए, अपने आप को पापों से शुद्ध करिए, फिर चंगाई की प्रार्थना करिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अपने चूल्हे को ऑन करने से पहले माचिस का इंतजाम करिए। गैस तो है, बटन भी है, माचिस नहीं है और आपने ऑन कर दिया, वो आग जलेगी? नहीं जलेगी। अंगीकार करिए, अंगीकार करिए, वो अंगीकार करिए फिर आग जलाइए। इसलिए वो क्या कहता 6:11-12, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम सैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रेज द लॉर्ड। हमें हथियार बांधकर परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में उतार कर हम शैतान के सामने खड़े हों। हमें लड़ने के लिए नहीं कह रहा है प्रभु। क्यों? क्योंकि शैतान हर पल एक नई युक्ति आपके लिए लेकर आ रहा है। आप तो संडे के संडे आकर चुप हो जाते हैं, शैतान चुप नहीं होता है। शैतान सातों दिन आपको बद करने के लिए, आपको आजमाइश में डालने के लिए हमेशा कोई ना कोई योजना ला रहा है, हर दिन। आप हर दिन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप हर दिन परमेश्वर के हथियारों को नहीं पहन रहे हैं। आप कहीं भी जाएं परमेश्वर की सत्यता को धारण करिए, उसकी धार्मिकता का झिलम अपने हाथ अपने चेस्ट पर लगाइए, धार्मिकता के झिलम पहनिए, उद्धार का टोप पहनिए, आत्मा की तलवार से परमेश्वर के वचनों को बोलिए और लगातार प्रार्थना करिए, लगातार। आप कहीं जा रहे हैं अन्य भाषा अगर आपको नहीं आती है, जिसको नहीं आती है मुझे बताएं, हम प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा आपको आएगी। आप अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं अन्य भाषा बोलिए, आप काम कर रहे हैं अन्य भाषा बोलिए, चाहे आप अन्य भाषा समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आप जो अन्य भाषा बोल रहे हैं तो आपका जो ध्यान है वो गलत जगह नहीं जा रहा है। आप शैतान आपके दिमाग पर काम नहीं कर रहा है, आपकी बुद्धि पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप अकेले होते हैं। शैतान आपको कहीं ना कहीं लेके जाता है, अपनी सहेली के घर, यहाँ पर लड़ाई हो रही है, वहाँ लड़ाई हो रही है, उसने क्या कहा, शैतान आपको घुमाता है। इसलिए अन्य भाषा बोलते रहिए, काम से इस काम से उस काम जा रहे हैं, अन्य भाषा बोलिए, अन्य भाषा बोलिए। आप लिफ्ट चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, अन्य भाषा बोलिए, रब बंदो रे बे 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 शेखिलो शिकला रिया, आहिस्ता बोलिए, बोलिए। आपके जो एटमॉस्फेयर में अंधकार की शक्तियां हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, कभी भी। आप कभी भी खाली नहीं बैठेंगे मेरे भाई, आपको काम मिलता ही रहेगा। आप जानते नहीं है, परमेश्वर कभी भी आपको काम से रोकता नहीं है, अंधकार की शक्तियां हैं जो आपके काम को रोकती हैं। इसलिए जो धर्मी जन है वो जानता है कि अंधकार की शक्तियां क्या हैं, परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र क्या हैं। उस सत्यता को हमें अपने मन में बसाना है, वो सत्य जो सत्य वही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। उसकी धार्मिकता जो हमें मुफ्त में मिली है उसे अपना गहना बनाना है, उसे हमें कीमत देनी है। मुफ्त में मिली है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी वैल्यू ना करें, उसकी धार्मिकता है, प्रभु की धार्मिकता हमें मिली है, उसको वैल्यू करो, उसकी कीमत करो। कहीं भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, यही तरीका है हम मसीहों के लिए। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, नहीं तो वो तुम्हें आग के तीर जलाकर भस्म कर देगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा। शैतान यही चाहता है। शैतान का मकसद क्या है?
परमेश्वर से दूर रखना। शैतान परमेश्वर की हर काम को बिगाड़ना चाहता है, हर काम को बिगाड़ना चाहता है। आप ये समझ लीजिए, अगर कोई आपका भाई, आपकी बहन, आपका पिता, आपका पति, आपकी पत्नी अगर आपको गलत सलाह देते हैं, तो आप समझिए कि उसके अंदर शैतान है, और शैतान उसके अंदर होकर आपसे बात कर रहा है। यस, एक ही पल में मती 16 में 15 से 21 के बीच में उसी पल यीशु मसीह ने कहा, पतरस तेरी बुद्धि परमेश्वर ने खोली है, और वो सामर्थ जो सच्चाई तूने बोली है वो लहू और मांस की वजह से नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ से तूने बताई है कि मैं ही मसीह हूं। हालेलुया। और दो वचन के बाद क्या बोलता है यीशु मसीह, चल हट शैतान, तू संसार की बात चलता, तू संसार के अनुसार चलना चाहता है। यीशु मसीह पतरस को शैतान नहीं कह रहे थे, उसके अंदर जो दुष्टात्मा थी उसको शैतान बोल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी शैतान किसी को भी यूज कर सकता है। अगर उसने पतरस को यूज किया यीशु मसीह के सामने, तो आप सोचिए आप क्या हैं। इसलिए अपने आप को तत्पर रखिए, शैतान कभी भी आपको कहेगा, आपको घुमाने वाला शैतान, अगर आप देखिए भरवाने वाली आत्मा के अगर षड्यंत्र में आ जाएंगे, आप कहीं टिक नहीं सकेंगे। इस कलीसिया से उस कलीसिया, उस कलीसिया से, ये प्रभु की योजना नहीं है। हर कलीसिया में अपना आशीष है, कुछ कमियां हैं, हर कलीसिया में कुछ कमी होगी, और हमें कलीसिया को देखना है, हमें यीशु को देखना है, हमें उस वचन को देखना है जो परमेश्वर ने कहा है। पहला कुरिन्थियों 4:15, हमें वचन के अनुसार चलना है। चाहे मैं आपको सही, अगर सही शिक्षा नहीं दे रहा हूं, मेरी मत सुनिए, आप वचन को देखिए कि मैं वचन के अनुसार बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 4:15, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले, तुम्हारे शिक्षक 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारा पिता बहुत नहीं, बहुत तो भी से तुम्हारा नहीं। पिता बहुतों से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। आमीन। आपको धरती पर परमेश्वर ने एक पिता दिया है, हर जगह आपका आपका उद्धार नहीं हुआ है। हर कलीसिया में घूमना परमेश्वर का आशीष नहीं है। वो कहता है आपके 10,000 शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन आपका पिता एक ही है। और अगर आप इस जमीनी पिता को जो परमेश्वर ने दिया है उसकी नहीं सुन सकते, तो आप परमेश्वर की कैसे सुनेंगे। हालेलुया। लेकिन शैतान भरमाने वाली आत्मा को चर्चेस में ले आता है, और लोग भटक जाते हैं, भटक जाते हैं। मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, मेरी बहन अच्छी नहीं है, आज मुझे चाय अच्छी नहीं मिली, आज मुझे पानी नहीं मिला, आज मुझे किसी ने प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा। ये छोटी छोटी बातें, प्रेज द लॉर्ड, ये शैतान है जो आपके मन में लेकर आता है। लेकिन जिस दिन आपने यीशु को देखना शुरू किया, मेरी बहन, आप किसके लिए चर्च आते हैं? यीशु के लिए। बस उसको देखिए, उसको पाने की कोशिश करिए, उसके चरणों में रहिए, समर्पित करिए अपने आप को। मेरे भाई, वो चेले जो कि मछुआरे थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, किसने सिखाई, किताबें लिखी, अध्याय लिखे, पतरस ने, पौलुस ने, किसने सिखाया? परमेश्वर ने। कब सिखाया? समर्पित किया उसने। 9 साल तक पौलुस प्रार्थना करता रहा और वचन पढ़ता रहा। आप पढ़िए बाइबल, जब परमेश्वर ने चुना 3 साल के बाद तो यरूशलेम गया, वो किसी से नहीं मिला। जैसी उसकी आंखें खुली, उस व्यवस्था को, उस किताब को पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, और इतना उसने समर्पित किया कि वह 12 चेलों से भी ज्यादा प्रकाशन उसने पाए।
ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। इसलिए इफिसियों 11 और 12 वो कहता है, यीशु मसीह कहता है कि तुम प्रार्थना करो ताकि अपने भाइयों को फिराओ, अपने भाइयों को विश्वास में लेकर आओ। और धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर मूल्यवान समझता है, क्योंकि धर्मी जन की परमेश्वर ने बुद्धि खोली है। धर्मी जन वो है जो जानता है शैतान कौन है, शैतान की योजनाएं क्या है। आम इंसान नहीं जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम वसई में एक हमारी बहन आती थी, रूबी बहन, हमारे चर्च में भी बेचारी बीमार है। जब हम अंधेरी से आते तो हमें बुलाती थी। उनके घर में खून के छींटे रहते थे, उनकी दीवारों पर खून के छींटे। जब हम आते थे खून के छींटे दिखाते थे, आज ये हैं, आज ये हैं। और हम प्रार्थना करते थे। एक दिन हम प्रार्थना करते, हमने काले साए को, शैतान को देखा, लक्ष्मी ने देखा, हमने उसको निकाला। उनका लड़का बहुत गलत, बहुत बुरी हालत में था, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। आज वो खून के छींटे कुछ भी नहीं है वहां पर, लिटरली खून के छींटे थे। और एक जगह नहीं, आज यहां, आज वहां, उसके आहट होती थी चलने की। हम अंधेरी से यहां प्रार्थना करने के लिए आते। देखिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 1912 में हम कोई कलीसिया खोलेंगे। अंधेरी में था मैं, सेट था। वहां से मुझे यहां बुलाते थे कि हमारे घर में प्रार्थना करो, और मैं और लक्ष्मी सुबह सुबह आते थे, हम प्रार्थना करते थे। तो वो जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो आपके दुश्मन है, उसके सामने परमेश्वर कहता है हथियार बांध, अपने हथियारों को बांध जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। हालेलुया। सत्य से कमर की कमर को बांधिए, धार्मिकता के झिलम को पहनिए, विश्वास की ढाल को उठाइए, उद्धार का टोप पहनिए, आत्मा की तलवार से परमेश्वर के वचनों को बोलिए और निरंतर प्रार्थना करिए। 12वां, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, हमारा जो युद्ध है ब्रदर, जिस पल आपको परमेश्वर ने चुना है, शैतान और आपके बीच में एक युद्ध शुरू हो जाता है। शैतान हार चुका है, लेकिन हम उस यीशु मसीह में पूर्णतः से समर्पित नहीं है। हम नई सृष्टि कहलाते हैं, इसलिए वो बोलता है यदि कोई नई सृष्टि में है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा जो मलयुद्ध है वो शैतान, हमारा मलयुद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है। लहू और मांस दिखता है, दिखता है लहू और मांस दिखता है, लहू और मांस से नहीं, अधिकारियों से, प्रधानों और अधिकारियों, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, जो दिखती नहीं है। आप सोचिए, आपका दुश्मन ऐसा है जो दिख नहीं रहा आपको, क्या करेंगे आप? आपका दुश्मन आपको दिख ही नहीं रहा, आपको चोट पहुंचाने वाला आपका दिख नहीं रहा, कैसे जिंदगी जिएंगे? लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर वो सामर्थ है जो दिखता है उससे बड़ा है। हालेलुया। हमारे अंदर वो सामर्थ है, हमारे अंदर वो शक्ति है, हमारे अंदर प्रार्थना का वो सामर्थ्य परमेश्वर ने हथियार दिया हुआ है कि जब हम बोलेंगे, हम अंगीकार करेंगे, हम आदेश देंगे, शैतान हमारा रास्ता खोल देगा, छोड़ देगा, चाहे वो हमें नहीं दिखता है। लेकिन मेरा पिता जो मुझे नहीं दिखता वो मेरे अंदर है। हालेलुया। इसलिए धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रतिफल लेकर आती है, क्योंकि धर्मी जन उन अंधकार की शक्तियों को जानता है। धर्मी जन उन अंधकार की शक्तियों को कैसे छुड़ाना है, कैसे निकालना है, वो जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 10:4, क्योंकि आपको परमेश्वर ने ऐसे हथियार दिए हैं मेरे भाई,
मेरी बहन कि आप उस प्रार्थना के जरिए उन हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, अपने घर की प्रॉब्लम्स को आप सुलझा सकते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये दुष्ट आत्माएं हैं, जो कर्सेस हैं जो आपके घर में है, यीशु मसीह के नाम से आप उसको निकालिए। डॉक्टर को पैसा मत दीजिए, ये बेवकूफ बनाते हैं आपको। आपका इलाज परमेश्वर के पास है, उसके वचनों में है। डॉक्टरों के पास नहीं है, पढ़िए। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमीन। हमारे पास जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, दिखते नहीं है, लेकिन गड़ों को ढा देने के लिए शैतान ने जो हमारे आस पास गढ़ बना रखे हैं, गड़ों को ढा देने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। आपके पास जो हथियार हैं इंसान के दिए हुए नहीं है, परमेश्वर के दिए हुए हैं, और वो किससे परिपूर्ण है? ईश्वरीय सामर्थ्य से। हो सकता है परमेश्वर, हो सकता है शैतान आपके पति को पीछे कर लेगा, लेकिन आपके पास हथियार है मेरी बहन, और वो भी ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। पीछे मत हटिए, आशा मत छोड़िए, और प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए मेरी बहन। आपकी कोई भी निराशा आशा में बदल सकती है। अगर आप टूट गई हैं, अगर आपके पास आशा नहीं है, अगर आपका बच्चा बिगड़ चुका है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, मेरी बहन मैं आपसे आज कहता हूं कि अपनी आशा मत छोड़िए। आपके पास जो हथियार है वो सामर्थ्य है और ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। कभी भी साहस मत छोड़िए, मेरा अच्छा होना है। हो सकता है आपका पति आपको सुख ना दे, हो सकता है आपकी पत्नी आपको सुख ना दे, आपके बच्चे आपको सुख ना दे, आपका शरीर आपको सुख ना दे, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, अगर प्रार्थना का हथियार आपके जीवन में है, अगर परमेश्वर का नाम आपके जीवन में है, अगर यीशु मसीह के वचन आपके जीवन में काम कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं मेरी बहन, कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है, क्योंकि आपके पास ईश्वरीय सामर्थ्य है, आपके पास ईश्वरीय सामर्थ्य है, और वो ईश्वरीय सामर्थ्य आपको जिताएगा। जीतना आपको है मेरे भाई, उसको यूज आपको करना है। अपनी जबान को खोलिए और उससे परमेश्वर के वचनों को बोलिए। घर में बैठे हैं, टीवी देखने से अच्छा है प्रभु की प्रार्थना करिए, अंगीकार करिए। अपने ऑफिस में बैठे हैं, अभी आधा घंटा है, कोई काम नहीं है, प्रभु से बातें करिए, अंगीकार करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, अंगीकार करिए। आप सोचिए, आप देखिए, कहीं आप जा रहे हैं काम के लिए, कहीं जा रहे हैं आप, रास्ते में मतलब एक घंटे का सफर है, कोई बात नहीं करनी है, मनन करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। मुंह खोलना ही प्रार्थना नहीं है, मन में प्रार्थना करते रहिए, अन्य भाषा बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। आप देखिए, आपके सारे जो संकट हैं, अंधकार की सारी शक्तियां हैं, वो टूट जाएंगी, टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। आपके हाथ में कुछ नहीं करना है, विश्वास से अंगीकार करिए। झूठे जो केस आप पर लगे हैं ब्रदर, ऐसे टूटेंगे। आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, आप जानिए उस प्रार्थना की शक्ति क्या है। सिर्फ संडे को ही प्रार्थना ना करिए मेरी बहन, 6 दिन और हैं, प्रार्थना करिए, सुबह उठिए प्रार्थना करिए, बच्चों को छोड़ के आए समय है, प्रार्थना करिए, बैठिए घुटने पर, उससे मांगिए, आपको हर चीज वो देगा, आपको मुकम्मल बनाएगा, आपको बच्चे को चंगा करेगा, आपको श्रापों से मुक्त करेगा वो। प्रार्थना करिए। हालेलुया। प्रार्थना ही है जो हमें शक्ति देती है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर
गढ़ों को ढा देने के लिए कितने भी शैतान गढ़ बना ले, आपके आसपास आपको काम नहीं लेने देगा, कोई बात नहीं। आपका धंधा नहीं चलने देगा, कोई बात नहीं। कितने भी शैतान आपके चारों तरफ गढ़ बना ले, लेकिन आपके पास ईश्वरीय सामर्थ्य है। जो कि शैतान के पास नहीं है। आपके पास क्यों काम नहीं होता है? क्योंकि आपके पास विश्वास नहीं है। आप घर से निकलते समय उस अंधकार की शक्तियों को नाश करिए, तोड़िए, उन रुकावटों को खुद दूर करिए, यीशु मसीह के नाम से दूर करिए। घर से निकलते समय अपने आप को समर्पित करिए प्रभु के चरणों में। जिस काम के लिए जा रहे हैं प्रभु को, प्रभु का आशीष उसमें लीजिए। घमंड मत करिए कि मुझे काम आता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु। जब मैं काम करूं आप मेरी सहायता करिए, मुझे बुद्धि दीजिए। जिसके लिए काम करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करिए। जो आपको पगार दे रहा है, चाहे वो प्रभु को नहीं जानता है, जिसके जिससे आप पैसा कमा रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु आज उसकी वजह से, आज इस परिवार की वजह से, आज हमें इस आदमी की वजह से, इस बॉस की वजह से हमारा घर चल रहा है, धन्यवाद प्रभु। इनको आशीष दे, इनको आशीष दे, इनको सुख दे। मैं कह रहा हूं दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीखिए, आपका जीवन बदल जाएगा मेरे भाई, आपका जीवन बदल जाएगा। दो दोस्त थे, मसीह थे, वो शिप में जा रहे थे। तूफान आया, उनका शिप कहीं तूफान में फंस गया और एक टापू में जाकर वो शिप अड़ गया, टूट गया वो शिप। दोनों उतरे, एक का नाम था रमेश, एक का नाम था सुरेश। दोनों प्रार्थना करते थे, एक टापू में है, यहां कोई नहीं है, हमें कौन बचाएगा? हालेलुया। तो जो रमेश है वो इस चट्टान के पास प्रार्थना करने लगा। उसने कहा मैं इस चट्टान में प्रार्थना करता हूं, तुम सुरेश वहां प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। वो दोनों प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। रमेश कहता प्रभु दया कर, यहाँ पर इतनी दूर में है हम, हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं है, तो हमें झोपड़ी दे दे, कम से कम रह सकें। झोपड़ी आ गई। प्रभु दया कर खाने की कोई चीज़ दे दे, खाने की हमें चीज़ चाहिए, मिलनी चाहिए, हम अकेले भूखे हैं। खाने की चीज़ आ गई। रमेश ने कहा प्रभु दया कर, तू तो बहुत दयालु है, हम मांग रहे हैं और तू दे रहा है, बहुत दूर हूँ अपनी पत्नी से, पत्नी को दे दे। पत्नी आ गई। हालेलुया। फिर रमेश ने कहा कि प्रभु प्रार्थना करते हैं, अब घर की याद आ रही है, कहीं से इलाज कर कोई हम चले जाएं और घर चले जाएं। तो एक शिप सामने आता हुआ दिखाई दिया, उसने हाथ हिलाया शिप वाले ने रोका। अभी रमेश जो प्रार्थना कर रहा था, इसने अपनी पत्नी को लिया, सामान लिया और शिप में चढ़ने लगा। तो प्रभु ने कहा तू सुरेश को नहीं लेगा? तो इस रमेश ने कहा कि प्रभु आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी है, सुरेश की प्रार्थना तो सुनी नहीं, तो इसका मतलब वो वर्थ ही नहीं है, वो योग्य नहीं है कि उसको हम लेके जाएं। प्रभु ने कहा बेटा तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, ये सारी प्रार्थनाएं सुरेश ने की थी, मैंने उसकी सुनी प्रार्थनाएं, जो तेरे लिए प्रार्थना की थी वो सुरेश ने की थी कि तुझे सुख मिले, तुझे आशीष मिले, ये प्रार्थना सुरेश की थी, तेरी नहीं थी। हालेलुया। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर बैठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, देखा मेरा बच्चा बहुत होशियार है, आगे बढ़ रहा है, हमें पैसा मिल रहा है, हमें आशीष मिल रहा है। भूल जाइए बहन, कहीं कोई ना कोई है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। याद रखिए, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं प्रार्थना के लिए, कई चेहरे परमेश्वर मेरे सामने लेकर आता है और मैं प्रार्थना करता हूं। इसी तरीके से मेरे लिए भी कोई ना कोई प्रार्थना कर रहा है। इसलिए आप विश्वास करिए, आपको जो फल मिल रहा है वो किसी की प्रार्थनाओं का नतीजा है। इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहिए। किसी बहन को जानते हैं जो दुखी है, उसके लिए प्रार्थना करिए, रो रो के प्रार्थना करिए, जैसे कि वो दुख आपका है।
अगर आप किसी ऐसी बहन को जानते हैं, ऐसे भाई को जानते हैं जो दुखी है, जो कमजोर है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास धंधा नहीं है, जिस तरीके से आप अपने लिए मांगते हैं वैसे मांगिए, रोककर मांगिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। क्यों ऊंचा उठाएगा? क्योंकि आप दूसरों का दुख समझने लगे हैं, आपके अंदर स्वार्थ नहीं रहा, लालच नहीं रही। यही तो प्रभु चाहता है कि मेरे अंदर से लालच निकले, मेरा 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 नहीं, प्रभु की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए प्रार्थना हमें किस तरीके से करना चाहिए। भजन संहिता 40:1, हम जब प्रार्थना करें तो हमारे सोच क्या होना चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिए इसको। भजन संहिता 40:1, मैं धीरज से यहोवा के बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आमीन। मैं धीरज के साथ, धैर्य के साथ परमेश्वर की बाट जोता रहा, उसकी राह तकता रहा। कैसे तकता रहा? प्रार्थना करता रहा धैर्य से। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, महीना, दो महीना, तीन महीना परमेश्वर की बाट जो रहा हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है? जब आप धैर्यवान होकर धीरज से परमेश्वर की बाट जोएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, वो सिंहासन छोड़ के आपके पास आएगा। सिंहासन उसको छोड़ना पड़ेगा, आपका धीरजवंत उसको व्याकुल कर देगा सिंहासन छोड़ने पर। मैंने उस सर्वशक्तिमान पर विश्वास किया है, मैंने उससे मांगा है जो सुनता है, जो बहरा नहीं है, जो गूंगा नहीं है, जिसके हाथ छोटे नहीं है। आपका धैर्य उसे विचलित कर देगा, नहीं इस बच्चे की मुझे सुननी है, सिंहासन छोड़ना पड़ेगा उसे। और धैर्य में आपका विश्वास आपको दृढ़ करेगा। दूसरा पत्रस 1:5-8, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा भजनकार को, भजनकार ने क्या कहा कि धैर्य से परमेश्वर की प्रार्थना सुनो, धैर्य से उसको खोजो, वो सिंहासन छोड़ के तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। अब आपको उस प्रार्थना को कैसे करना है, क्या आपको होना, आप पढ़िए। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास में सद्गुण और सद्गुण में समझ लो। आपके विश्वास करने में, आपके गुणों में सद्भावना आनी चाहिए, आपके विश्वास में खोट नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं आनी चाहिए, आपका विश्वास। अविश्वास कब बनता है? जब आप अधीर हो जाते हैं, जब अपना धैर्य खो बैठते हैं। आप कितनी देर हो गई प्रभु मुझे प्रार्थना करते करते, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, महीना हो गया, आपका साल हो गया। जब आपका धैर्य, मेरी बहन, अधीर बन जाता है तो आपका सद्गुण सद्गुण नहीं रहता है, आपका विश्वास अविश्वास में बदल जाता है। इसलिए वो कहता है कि धैर्य के संग जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, धैर्य के संग जब आप परमेश्वर की ओर जाते हैं, धैर्य के संग जब आप परमेश्वर के साथ काम करते हैं, तो वो कहता है कि विश्वास में सद्गुण और सद्गुण में समझ लाओ। और समझ कौन देगा? वचन, ज्ञान। आपके अंदर समझ कैसे आएगी? ज्ञान, जो मसीहा का ज्ञान है, जो बाइबल का ज्ञान है, वो आपकी समझ खोलेगा। और विश्वास क्यों? क्योंकि आपने मांगा किससे है, और वो मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है, गूंगा नहीं है, सुनने वाला है, सोने वाला नहीं है। वो मेरी जरूरतों को क्यों नहीं पूरा करेगा, जिसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दिया, क्या वो मुझे सुख नहीं देगा?
क्या वो मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? इसलिए सद्गुण में समझ, आगे छठा, और समझ पर संयम, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। समझ के साथ संयम होना बहुत जरूरी है। आप जो समझ रहे हैं उसमें संयम बरतिए, अपनी प्रार्थनाओं में संयम लेकर आइए, धैर्य लेकर आइए, उत्साह लेकर आइए, आनंद लेकर आइए। जब आप प्रार्थना करें आनंद की अनुभूति हो, क्योंकि बाइबल कहती है जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर कि जो तू मांग रहा है वो तुझे मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे इंतजार नहीं करना, मिल चुका है। मरकुस 11:23-24, तूने जो प्रार्थना में मांगा है वो तुझे मिल चुका है, विश्वास कर, तब तेरे अंदर एक उत्साह रहेगा, आनंद रहेगा, तुझे आशीष मिलेगा कि जो तूने मांगा है तुझे मिल चुका है। मैं सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने आप में और अपने मन में संदेह ना करे, तो वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो, महसूस करो कि वो मुझे मिल गया है, मिल गया है। इब्रानियों 11:1, आपने जो मांगा है आपको मिल चुका है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना पे कान लगाए रहता है। हेलो, धर्मी कब बोलेगा? भजन संहिता 139:4 क्या कहता है कि तेरे मुंह पे आने से पहले ही मैं जानता हूं कि तू क्या कहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अविश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि आप प्रार्थना उसके लिए करते हैं जो आपको दिखता नहीं है। मेरा बेटे के ऊपर से कोर्ट केस चला जाए, मेरे बेटे के ऊपर से कोर्ट केस खत्म हो जाए, अब आपने प्रार्थना की, अब आपको दिख नहीं रहा है, तो आपके मन में अविश्वास है, होगा या नहीं होगा। अगर आप संदेह करेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए इब्रानियों 11:1 क्या कहता है? आप विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंत की वस्तुओं का प्रमाण। अब विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आपने प्रार्थना की और विश्वास किया कि मेरा बेटा जो कोर्ट केस में फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने किस चीज की आशा की जो दिखती नहीं है? होगा, होने वाला है। इसलिए वो क्या कह रहा है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कि जिस चीज की मैंने आशा की है वो मुझे मिलेगा। हाँ, अब ये भी ना करिए आप कि आपने एक 10 करोड़ का टिकट का ले लिया, लॉटरी का टिकट ले लिया, और आप आशा कर रहे हैं कि साहब ये लॉटरी का टिकट मुझे मिल जाए। नहीं नहीं, आप आशा कर रहे हैं ये कार पास्टर की खड़ी हुई है ये मेरी हो जाए, ऐसी आशा मत कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। वचन क्या कहता है? आशा की हुई, विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अरे बाइबल क्या कहती है? 1 कुरिन्थियन 2:9, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, ना तेरे मन में समाई है, ना तेरे चित्त में समाई है, उन बातों को परमेश्वर ने तुझे दे दिया है। उन बातों को, इसलिए विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आज आपका बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं रहा है, आज आपका बच्चा सही तरीके से पढ़ाई में स्कूल में नहीं है, मस्ती करता है, प्रार्थना करिए, उसे संभालने वाला प्रभु है।
विश्वास करिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, आप अपने विश्वास को मजबूत करिए। एक दिन आप अपने बच्चे पर नाश करेंगे, उसी बच्चे की गवाही देंगे आप सबके सामने कि एक मेरा बच्चा इस समय और आज क्या है, करके देख लीजिए। हम अपने बच्चों को बुद्धि नहीं दे सकते हैं, सिर्फ हम अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा दें। शिक्षा पाए बस हमारा बच्चा, प्रभु का ज्ञान उसके कान में जाए, प्रभु का भय उसके अंदर लेकर आइए, बस आप देखिए वो अपने आप प्रभु उसे लेकर जाएगा। उसके साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए विश्वास, आप जिस चीज पर कर रहे हैं वो विश्वास आपका पूरा होगा अगर आप संदेह नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका संदेह आपको लेके जाएगा। इसीलिए लाइए आपका दूसरा पत्रस 1:5-8 के बीच में लाइए, देखिए क्या चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा। धैर्य के संग प्रार्थना करना, विश्वास में सद्गुण, सद्गुण में समझ, और समझ में धीरता, संयम। दूसरा पत्रस 1:6-8 और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति धीरज से भक्ति, धीरज में भक्ति। आपकी भक्ति धीरज में नहीं है, आप चाहते हैं आज आए कल हमको मिले। भक्ति में धीरजवंत होना यह विश्वास का प्रमाण है कि आप किसके पास आए हैं। समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। आगे 7 और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, भक्ति हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। भक्ति हमें सिखाती है परमेश्वर के वचनों के बारे में, भक्ति हमें सिखाती है प्रेम के बारे में। इसलिए जब भक्ति करो तो प्रेम करो, और एक दूसरे से प्रेम करते हुए बढ़ते जाओ। ध्यान रखिए ये नियम है, यही तरीका है परमेश्वर के चरणों में रहने का। आगे, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहे, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहे और बढ़ती जाए। ध्यान देखिए, ये जितनी बातें गई हैं इसको ध्यान दीजिए, घर जाकर इसको तरीके से पढ़िएगा। दूसरा पत्रस 1:5-8 के बीच में, अगर ये बातें आपके मन में वर्तमान में रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्पन्न न होने देगी। तो ये बातें तुम्हें हमारे प्रभु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगी। शैतान कुछ नहीं कर सकता, शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर सकता अगर ये बातें हैं, ये बातें हैं आपके पास। विश्वास में सद्भावना, सद्भावना में सद्गुण, सद्गुण में समझ, समझ में धीरज, और धीरज में भक्ति, और धीरज में भक्ति और भाईचारे के संग प्रेम को बढ़ाते जाइए। ये अगर चीजें हैं आप में, एक दूसरे से मिल के चलना, एक ही दृष्टिकोण में काम करना, एक ही मन से काम करना, मसीह में आपको निकम्मा नहीं होने देगी, आपको निष्फल नहीं होने देंगे ये बातें। इसलिए धीरजवंत होकर हमें प्रभु की प्रार्थना करनी है। हम धीरजवंत नहीं होते, हम क्या करते हैं, भजन संहिता 70:1, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने में फुर्ती कर। हम परमेश्वर को आदेश देते हैं, अभी हो बस। अभी हो जाए, मेरी बीवी रूठ गई अभी माने, बस प्रभु दया कर, अभी धंधा हुआ अभी पैसा मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रार्थना नहीं है, फुर्ती नहीं। हमने प्रार्थना की है परमेश्वर सुनेगा, सुनेगा नहीं, सुन ली है उसने मेरी प्रार्थना। मैं कह रहा हूं प्रार्थना के बाद धन्यवाद करना सीखिए, धन्यवाद पिता कि मैंने प्रार्थना की और तूने सुनी।
प्रार्थना करो प्रार्थना प्रार्थना करो प्रार्थना ले यीशु जन्म दिल में पावन कर दे ये जीवन प्रार्थना करो प्रार्थना दी मुक्ति हमको यीशु ने की थी खुद भी प्रार्थना प्रार्थना करो प्रार्थना प्रार्थना ही जीवन है प्रार्थना ही ज्योति है प्रार्थना गाइए साथ में गाइए प्रार्थना ही जीवन है प्रार्थना ही ज्योति है प्रार्थना दिखाती हमको मार्ग सत्य का जो लाया यीशु है प्रार्थना करो प्रार्थना प्रार्थना करो प्रार्थना ले यीशु जन्म दिल में पावन कर दे ये जीवन प्रार्थना करो प्रार्थना प्रार्थना करो प्रार्थना प्रार्थना निरंतर कर ले प्रार्थना समर्पण मांगे प्रार्थना निरंतर कर ले प्रार्थना समर्पण मांगे प्रार्थना से पूरी कर ले वाचा यीशु से जो तूने बांधी है प्रार्थना करो प्रार्थना प्रार्थना करो प्रार्थना ले यीशु जन्म दिल में पावन कर दे ये जीवन प्रार्थना करो प्रार्थना प्रार्थना करो प्रार्थना प्रार्थना करो प्रार्थना प्रार्थना हमारे जीवन के लिए हमारी सुरक्षा के लिए हमारी शांति के लिए हमारे सुख के लिए एक आधार है एक आधार है प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो प्रार्थना से आप परमेश्वर की योजनाओं को बदल सकते हैं योना नबी जिसको परमेश्वर ने कहा था जा नीनवे देश और उसको बोल के 40 दिन के अंदर मैं उसको खत्म कर दूंगा जैसे योना नबी ने परिक्रमा की और पूरे शहर में उसने ऐलान किया और वचन बताया कि 40 दिन के अंदर परमेश्वर आपको खत्म कर देगा नीनवे देश का राजा उसकी रानी उसकी प्रजा जैसे उन्होंने सुना कि हमें परमेश्वर खत्म करने वाला है वो लोग घुटने पे आए उन्होंने उपवास करना शुरू किया प्रार्थना 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 वो 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना में रहे वहां के पशु और पक्षी भी नहीं खाते थे उनको ऐलान किया गया था कि उनको किसी को कुछ नहीं खाना है 40 दिन तक उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर की योजना पलट गई परमेश्वर की योजना पलट गई और परमेश्वर ने उनको जीवन दिया प्रार्थना परमेश्वर की योजनाओं को बदल देती है इतना दयालु है हमारा पिता आप प्रार्थना करके तो देखिए आप मांग कर तो देखिए उसे बताइए आप कि हम तेरे ही हैं इसलिए वो कहता है यिर्मयाह 33:3 प्रार्थना करो और मेरे पास आ क्योंकि मैं तुझे वो गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है तू प्रार्थना करना नहीं जानता है तू मुझे खोजना नहीं जानता है तू नई सृष्टि में रहना नहीं जानता है लेकिन ये सब चीजें तुझे कब पता लगेंगी जब तू प्रार्थना करेगा मेरे करीब आएगा क्योंकि प्रार्थना से हम संसार से दूर होते हैं और प्रभु के करीब आते हैं घुटने टेकिए रोइए उससे बुद्धि मांगिए वो देगा आपको बुद्धि
प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी। आप इज़राइल जाइए, ऐसी गुफाएं हैं वहां पर कि लोग प्रार्थना कर ही रहे हैं, अंधेरे में बैठे सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको खाने की चिंता नहीं है। ब्रदर, आपका जो कलीसिया चल रहा है, अभी भी हम मसीह लोग सुरक्षित यहां पर हैं। आप विश्वास करिए, लाखों लोग अभी भी रोज प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए। आप मत समझिए, मैंने देखा है इज़राइल में जाकर, आप जाइए, गुफाओं में बैठे हुए हैं, सुबह आ जाते हैं, उनको खाने की चिंता नहीं है, उनको रोटी की चिंता नहीं है। हम जैसा कोई मुसाफिर वहां गया, जिसका मन आया कुछ खाने के लिए दे दिया, दे दिया। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के से, इज़राइल के लिए, देश के लिए, अमेरिका के लिए, हिंदुस्तान के लिए, मसीहों के लिए प्रार्थना हो रही है। दिन रात प्रार्थना हो रही है। वो प्रार्थना का नतीजा है मेरी बहन, जो परमेश्वर का सुख हमारे जीवन में आ रहा है। उसकी अहमियत को समझिए मेरे भाई। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप काम मत करिए, लेकिन हम काम करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रार्थनाओं की शक्ति आप जानिए, प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। अंधकार की ताकतें आपके जीवन में काम नहीं करेंगी। अय्यूब 28:7-11 के बीच में, प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। प्रार्थना आपके अंदर आपकी शक्ति को बढ़ाती है। प्रार्थना आपको आपसे मिलवाती है। अगर आप ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बताएगा तू कहां कमजोर है, हमें कैसे प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आपको सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रार्थनाओं में ही शक्ति है। अय्यूब जोब 28:7-11, हाँ, उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता, उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता, और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी, और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। किस पर? किसका मार्ग नहीं जानता? जो प्रार्थना करता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके ऊपर शैतान की नजर नहीं पड़ेगी। उसका मार्ग शैतानी चीजें नहीं जानती हैं। प्रार्थना आपको ढांक देगी, प्रार्थना आपको कवच देगी। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पंखों के तले आप आ जाएंगे। कहीं काम कर रहे हैं, वक्त मिले घुटना वहीं टेको, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जितना प्रार्थना करोगे, उतनी शक्ति, उतना आशीष, उतना कवच आपको मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? उसका मार्ग, प्रार्थना करने वाले का मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी यानी कि शैतानी चीज नहीं जानती है, और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती है, वो देख ही नहीं सकता है। प्रार्थना में वो शक्ति है, प्रार्थना आपको बचाती है, सुरक्षा देती है प्रार्थना आपको। 8, उस पर हिंसक पशुओं ने पाव नहीं रखा, उस पर अभिमानी पशुओं ने पाव नहीं धरा, और ना उससे होकर के कोई सिंह भी गया, और ना ही उस पर से होकर कोई सिंह गया है। कोई शैतान आपको छू नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है, और प्रार्थना हमें ही करनी है। प्रेज द लॉर्ड, आपकी प्रार्थना कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आपका काम आपको करना है। आप नहीं कह सकते घर से जाते समय, ए बीवी मेरे लिए प्रार्थना करना। वो तो प्रार्थना करती है बीवी, पत्नी भी प्रार्थना करती है, पति भी प्रार्थना करता है एक दूसरे के लिए, लेकिन आपको अपनी रक्षा के लिए खुद प्रार्थना करनी है।
आपको बताना है पिता को कि मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बिना अधूरा हूं। बताना है कि मैं तुझे खोजना चाहता हूं, मैं तुझे मिलना चाहता हूं। पिता आपको अपनी प्रार्थनाओं में बताना है उसे, आते जाते उठते बैठते उसे बताना है प्रार्थना के जरिए कि तू ही मेरा खुदा है, तू ही सर्वशक्तिमान, तू ही है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। नमा मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता, वो चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता और है, पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। कौन? प्रार्थना करने वाला। चकमक पत्थरों पर हाथ लगाता और पहाड़ों को, आपके मुसीबत के पहाड़, आपकी परीक्षाओं के पहाड़, आपकी आजमाइशों के पहाड़, अगर आप प्रार्थना में निरंतर हैं, आप उठाएंगे और निकाल देंगे, फेंक देंगे उनको। वो पहाड़ आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकते। वो आदमी जो निरंतर प्रार्थना में रहता है, जो प्रभु के करीब रहता है, वो पहाड़ों को चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ से उलट देता है, जड़ से। आपकी मुसीबतें जड़ से खत्म हो जाएंगी। ये नहीं कि आज आपको मिल गया पैसा, आपने आज का किराया दे दिया है, फिर आप बैठे हुए हैं। जड़ से आपकी पहाड़ों को खत्म कर देगा, जड़ से। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पत्थर, एक चट्टान को ऊपर से ही आप हिला नहीं सकते। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको इतनी शक्ति देता है कि आप जड़ से उखाड़ देते हैं उसको। हालेलुया। आप क्या बात कर रहे हैं? प्रार्थना करने में इतनी शक्ति है मेरे भाई, इतनी शक्ति है। दसवां, वो चट्टान खोदकर नालियां बनाता, वो चट्टान को खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों के हर एक अनमोल वस्तु दिखाई दे पड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो चट्टान को खोदकर नाली बनाता है, मुसीबतों की चट्टानों में से पानी निकलता है वो। हालेलुया। और उसकी आंखों से कोई भी अनमोल वस्तु छिपती नहीं है। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, तो आप उसके अनमोल सामर्थ को पहचानेंगे, उसकी शक्तियों को महसूस करेंगे, वो अद्भुत शक्ति। मैं सच कह रहा हूं, प्रार्थना के द्वारा ही आपको नसीब होगी। आप जानेंगे उसकी शक्तियों को, आप जानेंगे उसके सामर्थ को। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अनमोल शक्ति जो आपके अंदर मिलेगी, आपको मिलेगी, आप हाथ लगाएंगे और लोग आशीष पाएंगे, आपकी परछाइयों से लोग चंगे हो जाएंगे। प्रार्थना करने वाले में इतनी शक्ति होती है, लेकिन बड़ा मुश्किल है सर दूसरों के लिए मांगना, सुबह अपनी नींद खराब करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। हालेलुया। बाइबल पढ़ना बड़ा ही मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्यारहवा, वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उसके एक बूंद भी पानी नहीं टपकता। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता। और जो कुछ छिपा है वह उसे वह उजाले में निकालता है। और जो छुपा है उसे उजाले में निकालता है। यानी कि प्रार्थना परमेश्वर का सामर्थ आप में भर देती है, आपको शक्तिशाली बना देती है। आप हर चीजों को समझने लगते हैं। जिस दिन आपने समझ लिया, मान लीजिए आपका दुख आ रहा है और आपने समझ लिया ये दुख कहां से आया है, आप उस दुख से हारेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। जिस दिन आपने यीशु को जान लिया, जिस दिन आपने प्रभु को जान लिया, आपके दुख आपके सामने कुछ नहीं होंगे। आपका धंधा खराब हो रहा है, नौकरी खराब हो रही है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, नो, कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के सामर्थ को जानते हैं। आप उस अंधकार की शक्तियों को देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना में जीवन बिताना बहुत जरूरी है। प्रार्थना ही है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि प्रार्थना कर, प्रार्थना कर।
क्योंकि शैतान ने तुझे गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है, हमको भी मांग लिया है। हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में रहना है, भटकना नहीं है। आपकी कोई भी मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आप प्रार्थना में हैं। मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, आप मुसीबतों को निकालिए। आज्ञा दीजिए है मुसीबत हट, तेरा मेरा जीवन में कोई काम नहीं है, क्योंकि मुसीबत तुझसे बड़ा प्रभु मेरे पास है। कुछ नहीं कर सकती मुसीबत, शैतान आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, उसके अंदर शक्ति नहीं है, वो आपको छू नहीं सकता है, सिर्फ डरा सकता है। लेकिन डरिए मत, प्रभु आपके साथ है और उसने हमें प्रार्थना का हथियार दिया है। हालेलुया।